इंदौर कांग्रेस सेवा दल द्वारा किसान बिल के विरोध में चंद्रशेखर पटेल के नेतृत्व में वाहन रैली निकाली गई, जिसमें कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय सचिव चंद्र प्रकाश बाजपाई जी और प्रभारी दिनेश पांडे शामिल हुए। यह रैली चितावाद चौराहे से लेकर देवगुराड़िया तक निकाली गई, जहां सेवा दल की सभा आयोजित की गई और भोजन व्यवस्था भी की गई। सेवा दल के राष्ट्रीय सचिव और मध्य प्रदेश यात्रा प्रभारी चंद्रशेखर पटेल ने बताया कि देश में चल रहे किसान कानून को लेकर यह यात्रा प्रदेश के हर हिस्से में निकाली जा रही है, जिसमें मोदी सरकार द्वारा किसानों को ठगने का कानून बनाया गया है, जिसका कांग्रेस सरकार और सेवा दल विरोध करती है, और यह यात्रा उसी के चलते निकाली जा रही है जो देश के हर हिस्से में जाएगी। बताएं किस प्रकार की आज यह संघर्ष यात्रा निकाली गई है। देखिए, हम लोगों का प्रत्येक वर्षों में हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है, जिसमें हम अपने एजेंडे बनाते हैं कि साल भर हमको क्या क्या करना है, क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं, उसकी समीक्षा करते हैं। तो ये अजमेर में जब ये बैठक आहूत हुई तो ये ज्वलंत मुद्दा था, जब किसान सड़कों पर निकला इस पर काफ़ी लंबी चर्चा हुई, और सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालजी देसाई जी ने सोनिया गांधी जी के आह्वान पर, माननीय राहुल गांधी जी के आह्वान पर, हम सब ने ये निर्णय लिया कि देश के प्रत्येक जिलों में जो कांग्रेस सेवा दल इकाई है, किसानों के सम्मान में सेवा दल मैदान में उनके संघर्ष में हम लोग सहयोग दें। मध्य प्रदेश के, चूँकि मेरा नाम चंद्रप्रकाश वाजपेयी है, मैं सेवा दल का राष्ट्रीय सचिव हूँ और मध्य प्रदेश का प्रभारी हूँ, ये जिम्मेदारी दी गई। 28 तारीख को कांग्रेस का स्थापना दिवस भोपाल में मनाया गया, भारी संख्या में सेवा दल उपस्थित था, और माननीय कमलनाथ जी ने लाला तिरंगा देकर सेवा दल की इस किसान संघर्ष यात्रा को उन्होंने जारी किया, और सभी कांग्रेस जनों को आह्वान किया कि आप इस संघर्ष यात्रा में उनका सहयोग करें। 7 टुकड़ियां बनाई गई मध्य प्रदेश, चूँकि काफ़ी विशाल ये प्रांत है, 7 अलग अलग टुकड़ियाँ बनाई गई, तो उनमें से एक टुकड़ी जो आज यहाँ आपके गांव में पहुँची है, उसका नेतृत्व कर रहे हैं दिनेश पांडे जी, जो हमारे सेवा दल के प्रदेश के हमारे एडिशनल हमारे वो अध्यक्ष भी हैं, और उनके साथ सहयोगी के रूप में आदरणीय गोविंद हमारे व्यास जी हमारे साथ में हैं। तो आज यात्रा यहाँ पहुँची, जिसमें सेवा दल के हमारे जिले के अध्यक्ष चंद्रशेखर पटेल जी, भाई लक्ष्मी नारायण, हमारे पाठक जी, हमारे सहयोगी जो अन्य साथी आए हुए हैं, हमारे महबूब भाई जी हैं, हमारे प्रहलाद महावर जी हैं, बहुत सारे हमारे साथी यहाँ पर हैं जो इन सब कामों में सहयोग, उज्जैन के साथी यहाँ सब पधारे हैं, आए हुए हैं। देखिए, इस यात्रा का मकसद बहुत साफ साफ है, मकसद ये है कि जो भी कानून रचे जाते हैं, बनाए जाते हैं, तो वो कानून का उद्देश्य होता है कि लोगों की भलाई, जिसके लिए कानून बनाया गया उसका हित हो, वो समाज का कल्याण हो। ये भारत का पहला ऐसा इकलौता कानून है कि जिसके लिए बनाया गया वही लोग इसके विरोध में हैं। अरे, ये समझ से परे है कि ऐसा क्या वजह है कि ऐसे कानून में ऐसी क्या क्या चीज़ें आ गईं। तब लोगों ने गहराई तक जानने का, समझने का प्रयास किया, तो ऐसा लगा कि ये डमरूबाज ने किसानों, अरे ऐसा कोई सगा नहीं जिसको मोदी ने ठगा नहीं, अब किसानों को ठगने के लिए आ गया। वारे ब्रेन इसका, वारे अबानी अडानी के ये हमारे क्या कहते हैं सहयोगी लोग। आज हालात ये हो गई है कि आज इतने दिनों से किसान सड़कों में बैठा है, आंदोलन कर रहा है। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि माननीय भीमराव अम्बेडकर, इस धरती में जन्म उन्होंने लिया, भारत के संविधान को रचा, क्या भारत के संविधान पर क्या संशोधन नहीं आया, क्या अनुसूचियों में अमेंडमेंट नहीं आए? अगर कानून में कहीं कुछ गड़बड़ है तो उसको सुधार की ज़रूरत है, उसको सुप्रीम कोर्ट संज्ञान में ले रहा है, और आप कमेटियां बना रहे हैं तो फिर वही अपने प्राइवेट लिमिटेड लोगों को कमेटी में ले रहे हैं। बहुत तकलीफ है आदरणीय, हम तो चौथे स्तंभ के रूप में आपसे निवेदन कर सकते हैं, आप सबसे आह्वान कांग्रेस करती है, सेवा दल करता है, कि आप सच्चाई को सामने लेकर आएँ, इसके गहरेपन को लेकर आएँ। कहा जा रहा है कि कांग्रेस राजनीति कर रही है, कौन से आंदोलन में कांग्रेस अपना झंडा और अपने हाथ का निशान लेकर वहाँ पर निकली है? हम राष्ट्रीय झंडा लेकर निकले, हम चरखा झंडा लेकर निकले और लोगों से आह्वान कर रहे हैं, किसानों के साथ राजनीति करनी है। किसान राजनीतिक प्राणी है, आदमी नहीं है, अब अपालन करता नहीं है, अनाज हमको नहीं खिलाता। बहुत तकलीफ होती है जब इस प्रकार की घिनौनी बातें ये विचारधारा के लोग और ये केंद्र की सरकार इस प्रकार से करती है। इसलिए काला कानून वापस लेना होगा, जब तक वापस नहीं लिया जाएगा ये संघर्ष चलता रहेगा, यही आपसे मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, यही इस यात्रा का उद्देश्य है। आपका नाम बता दीजिए। मैंने बताया, मेरा नाम चंद्रप्रकाश वाजपेयी है, मैं कांग्रेस सेवा दल का राष्ट्रीय सचिव हूँ, पूर्व विधायक हूँ, और यहाँ आपके प्रदेश का सेवा दल संगठन का मैं यहाँ का प्रभारी हूँ। संदेश है इसके पीछे,
ये जो किसान विरोधी कानून है इससे देश की आज़ादी को भयंकर खतरा पैदा हो गया है। आज हमारी आज़ादी खतरे में है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था नष्ट हो जाएगी इस व्यवस्था से, और सारे देश के जो आर्थिक स्थिति है, जो अर्थव्यवस्था है, वो चंद व्यापारियों के हाथों में, चंद उद्योगपतियों के हाथों में सिमट के रह जाएगा। हम हर चीज़ के लिए, कहीं ऐसा ना हो कि कल हमको जब सेना के वेतन देना हो तो हमको अडानी से कहना पड़े कि श्रीमान जी इतना पैसा दे दो, हमको वेतन देने हैं, ऐसी भी स्थिति आने की ओर है। इसलिए बहुत भारी संकट है देश में, और इसी को देखते हुए समूचे देश में यात्रा निकाली जा रही है, किसान संघर्ष यात्रा। मध्य प्रदेश में 7 स्थानों से यात्रा निकाली जा रही है। ये 7वीं यात्रा को, जिसका संचालन मैं कर रहा हूँ, ये खरगोन से चलकर बुरहानपुर और खंडवा, इंदौर होते हुए हरदा जाएगी, हरदा से बैतूल, और बैतूल से सिवनी मालवा होशंगाबाद से ये भोपाल पहुँचेंगे, और 20 तारीख को इस यात्रा का समापन मुरैना में कमलनाथ जी प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा होगा। मेरा नाम दिनेश पांडे, मैं कार्यकारी अध्यक्ष मध्य प्रदेश कांग्रेस सेवादल।